उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यार जो ज़िंदगी है वो तो अच्छी जा रही है, बट ये आपको पता है मिड्स के बाद जो है वो लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है, और अभी वही चल रही है क्योंकि अब पढ़ाइयाँ वगैरह सारी स्टार्ट हो गई हैं हर एक की। और अब आज हमारी प्रेजेंटेशन हो रही है प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर, तो वो भी आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और बाकी फिर आप दोस्तों से बात करते हैं कि मीट के बाद लाइफ किस तरह चेंज हो जाती है, और बाकी दो लड़कों से बात करते हैं जो मिला। क्लास ले ली है, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास ले ली है, उसके बाद जो है हम अब ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब लेंगे। उसके लिए मैंने आपको जैसे कहा था कि यार जो है ना मिड्स के बाद जो लाइफ चेंज होती है ना उसके बारे में मैं लोगों से पूछेंगे, दोस्तों पूछेंगे, तो इसी तरह आए चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि मिड्स के बाद लाइफ जो चेंज होती है उसमें क्या फर्क है। रुक जाए ना हरुण भाई, सब्र करना यार, आप सब्र करें भाई। भाई मुझे एक बात आपसे पूछनी है यार, ये मिड्स से पहले जिंदगी कैसी होती है और मिड्स के बाद जिंदगी कैसी होती है यार? दो पहलू हैं सब चीज़ों में। मिड्स से पहले जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, बंदा एंजॉयमेंट करता है, नया नया सेमेस्टर शुरू होता है बंदे का, सही सही, बंदा खुल के ना अपना यशी वगैरह और पढ़ाई वगैरह भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ। जब मिड के बाद रिजल्ट आते हैं, अभी मेरा दो रिजल्ट देखा है मैंने, वो दिल्ली टूट ही गया। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से पेपर्स हमने अच्छे दिए थे, अब उम्मीद थी कि हमारे भी 50 में से 35-40 आ जाएंगे, पर नहीं आए यार। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जो 30-35 साल, अल्हम्दुलिल्लाह यार उतने ही बहुत हैं यार, जिनके नहीं आए उनसे पूछो। आपके कितने आए? मैं नहीं बताऊंगा यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कभी गरूर नहीं किया इन चीजों पे। और जी अभी हमने स्टार्ट की क्लास ले ली है अपनी, और नेक्स्ट क्लासेस की तरफ अभी हमारी जो क्लास नेक्स्ट होनी है वो है जी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, उसकी तरफ जाते हैं। उसके पहले यार एक भाई मिले हमसे, पूछते हैं मिड्स के पहले क्या लाइफ थी और मिड्स के बाद क्या लाइफ है, चले देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि मिड से पहले लाइफ कैसी थी और मिड के बाद लाइफ कैसी है? मिड से पहले, अभी चूँकि मेरा पहला सेमेस्टर है तो मिड से पहले जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो थोड़ी सीरियसनेस भी थी, लेकिन थोड़ा सा ये था कि अभी जो है स्टार्ट है तो इतना कुछ नहीं है, तो जब मिड्स हुए हैं तो नंबर आए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा सीरियसनेस का जो है वो आ गई है हमें ना, तो इस वजह से। समझ रहे हो? सही, किसी सीनियर वगैरह से रابطہ किया आपने यार, क्या करना है किस तरह करना है? जी सीनियर सारे, मतलब तकरीबन ज़्यादातर दोस्त हैं वो सीनियर्स हैं, तो उनके साथ रابطہ हुआ था, तो उन्हीं की वजह से जो है मिड्स में जो मार्क्स आए हैं अच्छे, थोड़ा सीरियस हो गया था। अभी जो और ज़्यादा हूँ, लेकिन मिड्स के बाद वाली लाइफ में कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी, क्योंकि आपको जो है ये होता है कि आपको फिक्र होती है, आपकी नॉलेज होगी आपको कि मिड्स से पहले अच्छी गुजरी थी और मिड्स के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात है, सही है, थैंक यू। और भाई आ रहे हैं हमारे, इनसे पूछते हैं यही सेम क्वेश्चन इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम भाई, यार बताएं आपसे क्वेश्चन है कि बताएं यार मिड से पहले लाइफ कैसी थी और मिड के बाद लाइफ कैसी है? मिड के बाद ज्यादा हसीन होगी। नो गॉड प्लीज नो, क्यों क्या हुआ? नंबर अच्छा आ गया जाहिर सी बात है, वरना तो बदतरी हो जाती। सही है, और मिड से पहले कैसी थी? मिड से पहले भी ठीक थी, चिल। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, ठीक अल्लाह का। यार मैंने आपसे पूछा था मिड से पहले और मिड्स के बाद क्या फर्क आया आपका? मिड से पहले यही फर्क आया कि मिड से पहले असि बेबा हो के लैबा छड़ी दिया सन, फुल टेंशन और फ्री हो, क्लासा भी छड़ियां ने, और भाई जान सुबह खुलदी ते पहला ख्याल हुंदा जाके क्लास लेनी है, क्लास नहीं ली, 15 नंबर की असाइनमेंट फिर पढ़ ली है, सुबह जाके ते तल्ले मिनट उनको घूरते घूरते क्लास से छोड़ दी हमने, 6-6 छुट्टियां पूरी काट दी हमने, हो गया तो अब सुबह उठते हैं तो याद आती है एक्सीआई वाली मैम की अटेंडेंस जाके लगवानी है, एसपीएम वाले सर के पास जाना है अटेंडेंस लगवानी है, सुबह 7 बजे का अलार्म लगा होना तो 6:30 बजे आँख खुल जाती है टेंशन से। हम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है क्या यार? बहुत यार दुख है दिल में कि पहले क्लासें ना छोड़ते, अभी आगे क्लासें छोड़ देते हैं। अभी भी छोड़नी है? नहीं छोड़नी तो है ना, वो तो नहीं रह सकते। और एक और खुशखबरी, बगैर पढ़े हमने मिट दिए, बहुत अच्छे नंबर आए, एक पेज का हमने पेपर दिया,
जिसमें से मेरे 40 में से 31 नंबर आया। माशाल्लाह। पेज पे क्या लिखा था? पेज पे मैंने जो लिखा था लिखा सही था, एक एक लफ्ज आगे पीछे से मैंने, हर चार सवाल थे, चार सवालों में मुझे चार पॉइंट मिल गए एक एक लफ्ज के, ये पॉइंट है मेन इसके, बस वो लिखे सवाल ही बीच में ऊपर नीचे काट के, वो पॉइंट बड़े हाईलाइट काट के लिख दिए, सवाल ऊपर नीचे काट के लिखता रहा उसमें, तो 31 नंबर दे। माशाल्लाह यार, ये वाली टेक्निक आजमानी चाहिए हमारे जूनियर्स को भी। इंशाल्लाह आजमाओ, इंशाल्लाह आपको नफा होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन तो काफ़ी अच्छा गुजर गया और काफ़ी हमने इंजॉय किया है। बाकी विट्स के बाद वाली लाइफ आपने सुनी लोगों की कैसी होती है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह यार अच्छा गुजर जाएगा हमारा टाइम भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।